हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। तो अभी का सीन ये था कि मैं निकल गया ऑफिस के लिए घर से। यहाँ पे चेंज कर गया, स्किप कर गया। मैं पहले बोला निकल गया ऑफिस से, बट निकल गया ऑफिस के लिए घर से। तो फटाफट से ऑफिस पहुँच रहे हैं, बच्चे चले गए स्कूल। मैं बस अभी एक्चुअली थोड़ा बस थोड़ा लेट हो रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी कल से ही। स्टमक में थोड़ा सा ना पेन वेन सा हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट उठा था। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हुआ, चाय भी बस मैंने चाय और रस खाए। लंच भी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, आज मैं लंच स्किप कर रहा हूँ। होगा तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लूंगा, अदरवाइज लंच भी स्किप कर दूंगा, तो पेट थोड़ा सेट रहे मेरा। एक दिन स्किप कर दो ना लंच वंच, तो फिर पेट सेट हो जाता है। मतलब खाना स्किप कर दो प्रॉपर, तो फिर ठीक हो जाता है। सो अभी बस पहुँच के ऑफिस, काम शुरू करते हैं और फिर देखते हैं आगे कैसे क्या रहता है, आज का दिन कैसा निकलता है। होपफुली बढ़िया निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें सेट हो चुकी हैं, बहुत सी चीजें ऑन द ट्रैक हैं। चलो फटाफट से पहुंचते हैं और काम। हे गाइस, तो अभी का सीन ऐसा था कि मैं अभी निकल गया ब्रांच से, अब जा रहा हूँ घर। और फटाफट से घर पहुंचते हैं और चाय पीते हैं, है ना। आज भी बहुत लेट हो गया ब्रांच से निकलने में, इट्स ऑलमोस्ट 7:45। कुछ काम ऐसे बड़े होते हैं तो हो जाता है। सो आज का दिन कैसा निकला? आज का दिन निकला ऐसा कि ब्रांच आए, काम ठीक था, जैसे रोज होता है वैसा ही था। फिर एक कस्टमर आ गए, उनके साथ थोड़ा टाइम लग गया मेरा, 1-1.5 घंटा उनके साथ लग गया। कुछ डिस्कशन हो रही थी उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स को लेके, फिर बस वो क्रैक डील क्रैक होने वाली थी। इतनी देर में उनके घर से फोन आ गया, उनको अर्जेंट काम से जाना पड़ा। फिर शाम को फिर मैं उनके घर की तरफ गया, बट वो तब भी तब घर पे वो नहीं मिले, वहाँ मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। अब का सीन ऐसा है कि बस अब पहुँच रहे हैं ब्रांच, बस अब पहुँच रहे हैं ब्रांच, सॉरी अब पहुँच रहे हैं घर। यार मेरा ना माइंड सच में शाम तक तो उड़ जाता है। अब बस उसके बाद बस ब्रांच आया, कैश क्लोज किया, फटाफट से सारी जो पेंडिंग सब चीज़ें थी वो सब करी, फाइलिंग वाली निपटाई, बस अब जाके काम निपटा। अब घर जा रहे, हो जाता है लॉन्ग लॉन्ग डे हो जाता है कभी कभी, तो ऐसे था। और तो सब नॉर्मली चल रहा है, और सब लाइफ में सेम चीजें हैं। घर जाना है वो मैं बता चुका हूँ। हाँ, मैंने ना जीरकपुर में एक बहुत अच्छा शोरूम देखा था। मैं परसों तक कॉल पे गया था, इन कस्टमर मीटिंग के लिए गया था। तो उसके बाद हम लोग एक शोरूम गए थे, ओए होए क्लास था यार। जूडियस करके है जीरकपुर में, बहुत औसम है, एक बार जाना बनता है वहाँ पे। अगर आप इस तरफ आओ तो जाना जरूर, मतलब क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस, क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस अच्छा है, वैरायटी है, क्वालिटी है, प्राइस बहुत अच्छा है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, तो मैं दे के जाऊँगा। मैंने शिल्पा को बोला था कि अच्छा है वो, मैं उनको लेके जाऊँगा, तो एक बार तो जाऊंगा वहां से। बहुत मेरा कुछ सामान है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं जरूर लेके आऊंगा वहां से। और जब लाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि मेरे को वो अच्छे लगते हैं, मतलब डिजाइनर वो चीजें, डिजाइनर बहुत अच्छी लगती है पहननी, तो आई विल बाय दैट। तीन चार तो कम से कम बनते हैं, इतने अच्छे डिजाइनर तीन चार तो एक्चुअली बनते हैं वहां से। तो वहां जाएंगे, वो सामान लेंगे, प्लस इन लोगों के लिए भी काफी सारा सामान मिल जाएगा वहां से, वो भी लेंगे। प्लस मुझे फाइनली व्हाइट स्नीकर्स भी पसंद आए थे, मैं वो भी लूंगा वहां से डेफिनेटली। जितना मुझे पहनने होते हैं ना, उस हिसाब से बहुत बढ़िया है वो। जितने मुझे पहनने हैं, लाइक मुझे 2-3 महीने में एक बार पहनने होते हैं, मेरे लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रीजनेबल प्राइस, मास्क ना ज्यादा है, पैसा इन्वेस्ट होगा और मेरा काम चल जाएगा, वाइट का वाइट। हाँ चलो तो जाएंगे, फिर वहाँ का अंदर का दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है ना। चलो फटाफट से अभी पहुँचते हैं घर, फिर आगे का प्लानिंग करते हैं, आगे का देखते हैं खाने में क्या है आज। क्योंकि कल तो स्टमक अपसेट था, कल मैं कुछ नहीं खा पाया था, कल हमने रात को खिचड़ी खाई थी। आज मैंने लंच में सुबह मैंने बनाना सुबह मैंने सिर्फ चाय पी है ब्रेकफास्ट में, दो रस के साथ। दोपहर को मैंने बनाना शेक पिया है, और अब जाके शायद कुछ खाना वाना खाऊंगा, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद अगर अंदर से इच्छा हुई तो, नहीं तो मैं 24 घंटे का बीच में ब्रेक दे दूंगा ना स्टमक को, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो ऐसे करें।
सो गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया था और अभी उसके बाद मैंने आज पहली बार अपने ट्रिमर यूज़ किया है। ये लास्ट टाइम मैंने ट्रिमर यूज़ किया था जब नया नया मंगाया था, तो मैंने 7 mm की जगह मेरे से 1 mm लग गया था गलती से और ये पूरा मैं क्लीन शेव हो गया था। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मजबूत वो हल्का सा ऐसे जैसे मारा तो यहाँ से सारी बिल्कुल प्लेन हो गया, उस चक्कर में मुझे बिल्कुल क्लीन करना पड़ा। आज मैंने चेक करके प्रॉपर 2 साल बाद, लगभग 2 साल हो गया उस चीज़ को, आज मैंने जाके उसको दोबारा से चेक करा तो 7 mm से करा। अब मेरी दाढ़ी ट्रिम हो गई है, आई थिंक मैंने अच्छी कर ली है ट्रिम उससे, तो अब यूज़ करना आ गया मेरे को ये। हे गाइस, तो अभी का सीन ऐसा था कि आज घर पे आया और घर पे आके चाय वाय पी, फिर खाना खाया। डिनर में आज था साग और रोटी, तो आज डिनर में था साग और रोटी और बस वो खाना खा लिया है और अब लग गए सोने। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।